बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 26 तारीख को नैब के ऑफिस के ऊपर पापा डैडी बचाओ मूवमेंट की जानिब से हमला किया जाने का ऐलान किया गया। इन नैब जदगान का ये टोला जिसमें पूरी तादाद नैब जदगान की है और इनकी तारीख रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर भी ये पहले हमले करते रहे हैं और जो इस वक्त हमला करने जा रहे हैं ये एक और कोशिश है एनआरओ लेने की। एनआरओ लेने की कोशिश कैसे है ये रखे हाथ में। एनआरओ लेने की कोशिश ऐसे है कि ये मिलकर मरियम नवाज नैबजदा, मरियम के अब्बा नैबजदा, मरियम के चाचू नैबजदा, मरियम का कज़न नैबजदा, मौलाना साहब नैबजदा, मौलाना की आधी टीम नैबजदा, शाहिद खाकान नैबजदा, एहसन इकबाल नैबजदा, राणा सनाउल्ला मंशियात जदा, ये वो तमाम लोग हैं। और उसके अलावा ये इस वक्त ये वो लोग हैं कि जो ब्लैकमेल करके पहले उन्होंने धरने के नाम पे, मार्च के नाम पे इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करना चाहा, मगर हमारा कप्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ, अब इधारों को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अवाम को देख लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि ये पीडीएम की हांडी जो पहले चौराहे में फूट चुकी है, ये सांझे की हांडी चौराहे में फूट चुकी है, जूतियों में दाल बट रही है इनकी पीडीएम की, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, किस चीज के लिए? अपोजिशन लीडर कौन बनेगा, ये कौन बनेगा ओदों के लिए? मैं कहना चाहता हूं जैसा हमने कहा था कि ये मफाद परस्तों का टोला है, ये नैब जदगान का टोला है और पूरी कौम को देख लेना चाहिए कि ये लोग जो ब्लैकमेल करके अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। ब्रॉडशीट में भी सब कुछ सामने आ चुका, ब्रॉडशीट केस में सब कुछ सामने आ चुका कि किस अंदाज से मुल्क के खजाने को लूटने के लिए लूटा गया और उसमें पाकिस्तान से लेकर लंदन तक उस वक्त के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के डिप्टी हाई कमिश्नर से लेकर अटॉर्नी जनरल से लेकर वजीर कानून से लेकर मतलब वजीर आजम अपना कुर्बान कर दिया लेकिन स्विस अकाउंट कुर्बान नहीं करने थे, तो स्विस अकाउंट खुलने का पता चल गया होगा इसलिए लोगों ने पतली गली से निकलने की कोशिश कर ली। तो इंशाल्लाह इन नैब जदगान के टोले से हम बिल्कुल किसी तरीके से कोई गवर्नमेंट ब्लैकमेल नहीं होगी। मैं देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे एमपीए साहिबान, हमारे कराची के प्रेसिडेंट खुर्रम शेर जमान साहब पार्लियामेंट्री लीडर, हमारे एमपीए साहिबान यहाँ मौजूद है। इस शहर में 50 से ज्यादा एमपीए एमएनएस हमारे हैं। ये शहर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ही हमारा है लेकिन ये शहर भी हमारा है। लेकिन मैं अदालतों में जाता हूं, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा दहशतगर्द बनाया गया इन माशी दहशतगर्दों ने। हलीम आदिल शेख वो दहशतगर्द है जिसके पास ना बम था ना कोई आला वो थे ना कोई हथियार थे ना कोई बम फटा ना कोई जख्मी हुआ ना कुछ हुआ। इन माशी दहशतगर्दों ने मुझे सियासी दहशतगर्द बनाया हुआ है। इंशाल्लाह अदालतों के जरिए इंसाफ मिलेगा और इनको शर्म आनी चाहिए कि आज टारगेट किलर आज़ाद फिर रहे हैं, आज मंशियात फरोज आज़ाद फिर रहे हैं। और पता एक और खबर आपको, ये पुलिस सिंध पुलिस का एक इंस्पेक्टर करण सिंह मीर वाह गोरचानी का SHO जो आज से 2 महीने पहले थे सिटी मीरपुखा सिटी का SHO था, 1 अरब 87 करोड़ की मंशियात निकली है उसके पास से।
गुज़िश्ता रोज़ ANF ने पकड़ी है। हरिराम का फ्रंटमैन, हरिराम किसका फ्रंटमैन है आप लोग जानते हैं, हरिराम इस असेंबली में साथ होता है, उसका फ्रंट एक SHO इस काली वर्दी वाले के पास से 1,87 करोड़ की मंशियात निकली है। IG साहब थोड़ी बहुत कोई है, थोड़ी बहुत है तो इस्तीफा देकर चले जाओ कि आपके उस SHO को किसने लगाया। 1,87 करोड़ की मंशियात नाजायज असला आपके पुलिस अफसरान के पास से निकल रहा है। सिंध पुलिस मंशियात फरोश बन चुकी है, सिंध पुलिस, अभी मैं नहीं कह रहा, ये कल 1,87 करोड़ की मंशियात निकली है। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं खुर्रम भाई, बिलाल भाई आप भी देखिएगा, बिलावल जरदारी से मेरा सवाल है, ये कौन है आपके हलके में लाड़काना चिल्ड्रन अस्पताल के सामने, लाड़काना चिल्ड्रन अस्पताल के सामने ये कौन है? ये कोई भिखारी नहीं है, ये लाड़काना चिल्ड्रन अस्पताल के सामने रतो देरो डिनो माची गोट का रिहायशी रमजान मक्सी है, जिसके बेटे की कल डेथ हुई है नौमौलूद की, और वो एम्बुलेंस लेने के लिए भीख मांग रहा है। लाड़काना का बेनजीर भुट्टो का वोटर बिलावल जरदारी आपके हलके में, ये बेचारा रमजान मक्सी जो है अपने बेटे को एम्बुलेंस देने के लिए भीख मांग रहा है, इसलिए कि आपकी फुप्पो जानी का एक सरकारी फरमान आ चुका है कि एम्बुलेंस किसी को, किसी लाश को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। 200 अरब से ज्यादा का आपका बजट, इन गरीबों को अब मरते हुए भी डर लगता है, दवाई आप देते नहीं हो, दवाई आप देते नहीं, मरते हुए भी आज गरीबों को डर लग रहा होता है एम्बुलेंस। मैं कहता हूं लाड़काना में, खुर्रम भाई कल आपने ट्वीट भी किया है, डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आज गरीब लोग एम्बुलेंस के हसूल के लिए। चलिए अब अगली बात करता हूं, आपने कहा हम किसी मरने वाले को एम्बुलेंस नहीं देंगे, जिंदा को तो देंगे ना, मरीज को तो देंगे ना, तो आइए सांगढ़ शाहपुर चाकर में अनवर शाह एक 30 साल का नौजवान, उसको दिल का दौरा पड़ता है, शाहपुर चाकर अस्पताल में लेकर जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको नवाब शाह अस्पताल जाना है, एम्बुलेंस दी जाती है, एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं होता है, एम्बुलेंस को उसके घर वाले धक्का लगाते रहते हैं और उस 30 साल का नौजवान उसी एम्बुलेंस में धक्का स्टार्ट, सिंध हुकूमत की धक्का स्टार्ट, सिंध हुकूमत की धक्का स्टार्ट, वजीर की धक्का स्टार्ट, एम्बुलेंस के अंदर एक नौजवान तड़प तड़प कर जान देता है। लाश को आपने देनी नहीं, मरीज को आपने एम्बुलेंस देनी नहीं, दवाई आपने देनी नहीं, कुत्ते की वैक्सीन आपने देनी नहीं, कुत्ते की वैक्सीन नहीं देते, 92 करोड़ रुपए कुत्ते न्यूट्रल करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। कुत्ते नहीं मरने चाहिए, बच्चे बेशक मर जाए, कुत्तों से आपको प्यार है, बच्चे बेशक मर जाए, चूंकि गरीब के बच्चे हैं ना, एम्बुलेंस आपको तो अगर पेट में मरोड़ भी पड़ जाए आपको तो एयर एम्बुलेंस भी लेकर चली जाएगी, बहुत सारी एयर एम्बुलेंसें आपको लाइन में खड़ी हो जाएंगी, ऐसे उतर रही होंगी, गरीबों को एम्बुलेंसेस देने को तैयार नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, दो रोज पहले प्राइवेट स्कूल में अबीर फातिमा बच्ची, आज कोविड की वजह से वालदैन परेशान है, प्राइवेट स्कूलों में फीसिस का मसला है, लेकिन ये सिंध हुकूमत, ये जेरे वजीर तालीम जो कि जेरे तालीम है, उनकी हुकूमत प्राइवेट स्कूल के अंदर वो लोग बिठाए हुए हैं जिसकी मैनेजमेंट है, जो कि डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल है, सिद्दीकी साहब और एक खातून है, जब कोई शिकायत होती है तो फर्रा भेज देते हैं स्कूल में, माल खप्पे स्कूलों से। मैं कहना चाहता हूँ ये बच्ची के साथ, अबीर फातिमा के साथ जो इन्होंने उसको कमरे में बंद किया, उसकी पिटाई की, बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हैं कि जिनको फीस ना मिलने की वजह से, खुद तो बंद स्कूल की फीस भी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ सिंध का एजुकेशन का सिस्टम तबाह है, सिंध में हेल्थ का सिस्टम तबाह है, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सिंध तबाही की तरफ जा रहा है। खुर्रम आ जाए, खुर्रम आइए, खुर्रम आ जाए जी, बहुत सारी चीज़ें तो हलीम भाई ने बता दी हैं खुद, लेकिन मैं आज थोड़ा सा नाराज़ हूँ अपने साफ़ी दोस्तों से